वाई नहीं है। तो उसको देखेंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम लाइफ में रहेंगे। वैसे वो आने लग गए थे, कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ आए हो। दोस्तों कैसे हो? हम जिन्हें बुला रहे हैं वो तो आ नहीं रहे। कहाँ रह गए वो जो आ रहे थे अपना सिस्टम ठीक कराने के लिए? अभी उनको लाइव बुलाया है, वो लाइव नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ रहे। फिर बोलेंगे आप आए नहीं, आपने दिखा लाइव नहीं आए। हम तो लाइव आ चुके हैं, एक बार दोबारा फिर से भेज देता हूँ, देखूंगा दोबारा से देखता हूँ एक बार। नहीं आ रहे भाई, दोस्तों लाइव प्रोग्राम किस किस ने देखने हैं ये बताओ पहले। दोस्तों हमने तो बोल दिया है, अभी देखते हैं आते हैं या नहीं आते। अगर ज्वाइन हो गए तो अभी दिखाई दे जाएंगे, फिर उनसे बात करेंगे हम। अगर नहीं आएंगे तो आप सबसे बात कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अच्छा दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, आप सबको जो हम वीडियो बनाते हैं कैसी लगती है? अभी मेरे पास जो मेंबर हैं वो कानपुर के हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारा सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उनको बोला आप एक काम करो, आप लाइव आ जाओ तो चेक कर लेंगे। तो वो लाइव आ ही नहीं रही है, इतनी देर हो गई है, मैं उनको समझा रहा हूँ लाइव आ जाओ, अब वो आ नहीं रहे। आ गए हैं, लाइव आ गए, देखेंगे कहाँ हैं। लाइव तो आए हैं, अभी आ गए। आपके पास केबल कौन सी है सर? एक मिनट, ये देखो, ये ठीक है, सिस्टम ऑन हो रहा है पूरा? हाँ ऑन है। ये तो ऐसा ना, उस दिन पता नहीं कहीं बटन बच्चों से छिड़ गया,
उसके बाद मेरे से सेटिंग रिमोट दिखाओ मुझे, रिमोट इसका। जी जी एक मिनट, रिमोट ये भाई साहब, रिमोट में का है, रिमोट रिमोट में ना इसके जी ऑप्शन होगा देखो ऑप्टिकल का। ऑप्टिकल का ऑप्शन है इसमें, इसमें भाई साहब आप ही बताओ कहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। एक सेकंड रुको, साफ सा आने दो सामने। डीवीडी आ रहा है, देखो डीवीडी के साथ में क्या क्या आ रहा है ऊपर, मैं बता एक, मैं पहले कैमरा एक मिनट साफ करूं। लो भाई साहब देखो आप जरा, एक सेकंड रुको, साफ ही नहीं आ रही आपकी फोटो। मैं तभी तो इधर लाइव आया हूं, मैं कहा फोटो साफ आएगी, भाई साफ आएगी वैसे लाइट की वजह से हो रहा होगा। नहीं आ रही, इतना जूम करके दिखाओगे कहां दिखेगा, साफ ही नहीं आ रही अभी। सही आ रही है, देखो ना इसके डीवीडी लिखा हुआ है, आप रिमोट के कोने में देखो ना डीवीडी लिखा है, डीवीडी। हाँ जी डीवीडी लिखा हुआ, डीवीडी के साथ में देखो ऑप्टिकल भी लिखा होगा कहीं ना कहीं। नहीं इसके साथ लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ, रिसीवर है, डीवीडी है, ये देखो। हाँ हाँ रुको रुको, ये सीडी, एमडी, सीडीआर, सीडीआर जो लिखा है देखो। हाँ सीडीआर है, सीडीआर भी है, एक कॉक्सिकल भी होगी, कॉक्सिकल केबल। ऑप्टिकल तो कुछ भी नहीं लिखी हुई इस पे, सीडीआर देखो फिर, सीडीआर को कनेक्ट करो एक बार, उसके ऊपर क्या ऑप्शन आ रहा है अभी दिखाओ जरा, इसका थोड़ा दिखाओ आगे से, इसका डिस्प्ले है ना डिस्प्ले, हाँ ये दिखाओ मेरे को, वीडियो, और ये लाल में क्या लिखा है, लाल लाल ये पीसीआर आ रहा है जो झमक रहा है, ये है डॉल्बी पीएल सेकंड। हाँ हाँ इसके बटन दिखाना नीचे से, ये बटन पे देखो ना, बटन दिखाओ इसके सही से, ये देखो पहला बटन है इसका, एक मिनट, डीवीडी मल्टी चैनल वीडियो वीसीआर, उसके आगे क्या है, वीडियो टू, वीडियो थ्री, वीडियो थ्री, और उसके आगे ये क्या है, टेप, ट्यूनर, सीडी, सीडी, और दिखाओ, ये तीन बटन यहाँ पर हैं। अच्छा ऊपर के दिखाना जरा, ये ऊपर के देखो बाब, एक तो ए बी लिखा होगा, वो तो वो होता है रिवर्स के लिए, वो तो ये वाला है ए बी, वो दोनों चैनल चलते हैं ना उसमें। अच्छा, आगे चलो आगे चलो आगे, धीरे धीरे बटन दिखाओ, ये क्या है बटन, तीन बटन लगे आगे फ्रंट पे, क्या है ये, जी भाई दिखा रहा हूँ, ये लो टोन है, ठीक है इसको छोड़ दो आगे चलो, स्टीरियो, हाँ, और लिसनिंग मोड। अच्छा और दिखाओ, डिस्प्ले, डिस्प्ले और डिजिटल इनपुट, ये डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट क्लिक करो, ये इसको कर लिया, हाँ जी ये आ गया ऑप्टिकल, हाँ जी अब चालू करो, इसका ऑप्टिकल तो इन है ना। एक मिनट भाई साहब मैं जरा एक दो साउंड भी हल्का सा चलाऊ ना, फिर पता लगेगा क्या चीज है, साउंड चलाऊ तो पता लगेगा ना, ये देखो आप ऑप्टिकल के हैं, ऑप्टिकल टू है, ठीक है, और ये स्लैश आ रहे हैं और कॉक्स आ रहा है, फिर ऑप्टिकल वन आ जाता है। हाँ सब पे चला के देखो, ऑप्टिकल पे भी चल सकती है, कॉक्सिकल कॉक्स भी पे भी चल सकती है। ऑप्टिकल वन का जो ऑप्शन है इसे दबा के रखने पे ये आता है भाई साहब, देखो ऑटो, पीसीएम और डीटीएस। हाँ तो किसी एक पे आवाज देगी ना, चलाओ तो सही इसको, ये तो मैं कर रखा है भाई साहब सेट, इस पे आवाज ही नहीं आ रही ना, ये तो तीनों पे चला के देखा मैंने। इसके बैक साइड में जहाँ ऑप्टिकल लगी है वहां की वो दिखाना जरा वीडियो मेरे को, बैक साइड की जहाँ कोई केबल लगती है। अच्छा एक मिनट, वहां तो फिर इस हिसाब से आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। एक मिनट भाई साहब कर रहा हूँ, और वैसे आवाज आ रही है इसमें किसी और ऑप्शन से? ना ना किसी और ऑप्शन से भी नहीं आ रही।
यार फिर तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होगी ना, आप तो कह रहे हो कनेक्शन की दिक्कत आ रही है। एफएम चला के देखो इसका आवाज आ रही है। हाँ पीछे से दिखाओ कहाँ लगी है ऑप्टिकल इसकी। ऑप्टिकल ये जी, एक सेकंड रुको। हाँ ऑप्टिकल लिखा तो है इस पे जी। इसके नीचे कौन सी है? इसके नीचे एक और है ना, देखो क्या है। इसके नीचे टू है, ऑप्टिकल टू। ऑप्टिकल टू पे कर, चेक करके देखो दोनों पे चेक कर लिया। आप ऑप्टिकल को छोड़ो, आप ऑक्स चला के देखो पहले, इसकी ऑक्स चल रही है क्या? ऑक्स की लीड नहीं है ना। अरे यार चेक तो करना ही पड़ेगा फिर, कैसे गाड़ी चलेगी बिना लीड के। अच्छा एक बार ऑक्स चला के देखो। ये वाली जैसे तीन वाली होती है, इससे भी चल जाता है? दिखाओ जरा तार मेरे को एक बार इधर। जी बस ये वायर आपकी दिखाओ दिखाओ। हाँ एक काम करो, टीवी के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखाना, टीवी में जाके उधर। टीवी में तो अंदर लगी हुई है भाई साहब। ये कहाँ लगी हुई है? ये इसी स्पीकर की मोड की है। एक काम करो, सेटअप बॉक्स है ना आपका? हाँ जी। सेटअप बॉक्स में ऑक्स की जगह है वो जो होती है हमारी 3RC जो लगी हुई है केबल, तीन पिन वाली जो केबल लगी है। ये जियो का है भाई साहब। हाँ इसके अंदर तो, इसके अंदर होगी जियो वाले में तो। मैं देख लेता हूँ। देखो जरा जियो वाले में, कईयों में आती थी कईयों में नहीं आती, स्मार्ट में अभी तो आ तो रही है पीछे लगने के लिए। ये 4K वाला ही है। अभी तो मैंने करके दिया है थोड़े दिन पहले, पीछे होगी इसके। देखो दिखाओ पीछे से, दिखाओ पीछे से, दिखाओ मुझे साफ सी। नहीं है इसके पीछे, दिख ही नहीं रहा मुझे तो कुछ। दूसरा ऑप्शन भी देखता हूँ। अच्छा इसमें ओंकियो वाले में HDMI है क्या? ओंकियो वाले में HDMI इन होगी, इन देखो कहीं है। देखो ऐसे वहां भी HDMI इन देखो है कहीं इसमें। HDMI शायद इस मॉडल में HDMI होगा नहीं मुझे लगता है। और उधर चलो, HDMI केबल जैसी होती है ना, पोर्ट बना होगा देखो HDMI का कहीं ना कहीं। दिखाओ नहीं, HDMI नहीं दिख रही कहीं, होती तो फिर उसमें ऑप्शन भी होता। इसमें HDMI नहीं है इसका मतलब। इसके अंदर आपको यार एक काम करना पड़ेगा, या तो आपको ऑक्स के साथ चेक करना पड़ेगा या फिर अपनी ऑप्टिकल इसके ऑप्टिकल से चेक करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हो आवाज किसी में भी नहीं आ रही। हाँ जी ऑप्टिकल में तो दोनों में मैंने लगा के देखी है, नहीं आ रही ऊपर नीचे करके। तो टीवी के पीछे तो, टीवी के पीछे तो ऑप्टिकल का एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑप्शन उसमें एक ही होगा, उसमें आउट होगा, आउट लिखा होगा उसमें टीवी के पीछे देखो। अच्छा टीवी के पीछे आउट लिखा हुआ है ना जी। अच्छा एक काम और हो सकता है, ऑप्टिकल की केबल भी खराब हो सकती है, खराब भी होती है कई बार, लेजर होती है ना। अच्छा इसमें से इसके पीछे से देखना, सेटअप आपके सेटअप के पीछे से लेजर निकल रही है अंदर से। हाँ ये देखो, ये उसमें से निकल रही है ना आपके सिस्टम में से, ऑप्टिकल में से, ऑप्टिकल वायर में से। हाँ जी हाँ सिस्टम में लगी हुई है ना ये। हाँ ये सिस्टम में लगाई है मैंने, ये देखो ना। हाँ नहीं नहीं ये टीवी में लग के आई है ना ऊपर से। हाँ टीवी में लगी। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो इसकी जो ऑप्टिकल है वो इन है जी, लेकर आ रही है, इसका मतलब टीवी आपका काम कर रहा है वहां से, आउट दे रहा है टीवी का। जी जी टीवी तो आउट ही होगी ना, टीवी जिनको इन होती स्पीकर के जैसे एक कनेक्शन है ना, ये भी जैसे मैंने साउंड सेट किया था ना, तो स्पीकर के कनेक्शन भी सारे फ्रंट वाले, रियर वाले और अंदर वाला बूफर वाला सब साउंड कर रहे हैं। अच्छा अभी साउंड दे रहे हैं वो? हां साउंड सब दे रहे हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है अगर साउंड दे रहे हैं तो। ये पता नहीं किस वजह में आ रही है, वही मैं आपसे तभी करना चाह रहा था बात। नहीं अभी किस चीज की साउंड आ रही है आपको, उसमें क्या साउंड आ रही है अभी? इसमें किसी भी चीज की इस समय साउंड नहीं आ रही, नहीं तो अच्छा वाला ये चल रहा था, बज रहा था वो, कोई पता नहीं बटन कैसे दबा। वो बात छोड़ो, पहले आ रही थी लेकिन अब तो नहीं आ रही ना। अब किसी की भी नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी अब किसी की भी नहीं आ रही, FM मोड पे भी नहीं आ रही है ना।
एक काम करो आप, इसमें आप ना दिखाओ इसके पीछे से, दिखाओ होम क्यों का पीछे बैक साइड दिखाओ मुझे। इसमें ना देखो ऑक्स इन लिखा होगा, जिधर लगा ना ये सारी ऑक्स हैं ऊपर वाली, सीडी पे लगा लो या टेप पे लगा लो, ये सारी ऑक्स होती हैं। अच्छा आप सीडी वाली यूज करो सबसे पहले, ठीक है, या इन लिखा, इन लिखा देखो दो जगह पे इन भी लिखा हुआ है, देखता हूं मैं। वीडियो इन नहीं चाहिए आपको, उसके नीचे देखो, उसके नीचे नीचे, हाँ ये इन लिखे हुए इन पे, देखो ये वीडियो नहीं देखनी हमने, ऐसे नीचे देखो, हाँ ये देखो डीवीडी इन लिखा है ना, हाँ डीवीडी इन, इसके नीचे, इसके नीचे देखो आउट लिखा हुआ, आउट के साथ में देखो इन लिखा हुआ, ये रहा फ्रंट के साथ इन लिखा हुआ है, ये रहा, हाँ इन वाला, हाँ जी हाँ, ये दोनों पोर्ट काम करने हैं आपको, दोनों पोर्टों के अंदर एक केबल डालो। ये कहाँ पे कह रहे हो फ्रंट के साथ इन, यहाँ पे ना मैं, ये आउटपुट तो नहीं है ना, वीडियो वन है ये, हाँ वीडियो वन, हाँ इसमें डालो, इसकी ऑप्स में डालो, इन दोनों में, हाँ नीचे ऊपर दोनों में डालो, ये वाली टीवी वाली, ये वाली जो आपके पास केबल पड़ी ना तीन पिन वाली, वो दोनों में डालो, ठीक है, लाल और वाइट। उसके बाद आगे से इसको वीडियो इन पे कर दो, और येलो भाई साहब हैं, येलो वाली, येलो को छोड़ दो। अच्छा डाल दी, हाँ जी हाँ जी, आगे वीडियो इन करो, वीडियो इन, हाँ जो उस पे लिखा हुआ वही आगे से कर दो, रिमोट पे से या उस पे से, किसी पे से भी। ये देखो अभी ऐड डीवीडी लिखा हुआ, नहीं वीडियो इन करो, जो पहले डीवीडी वाले पे लगा लो, फिर डीवीडी चेक करना है तो वीडियो टू आ गया, वीडियो वो वीडियो वन है ना, कौन सी है वो, एक मिनट मैं चेक करो, पहले ही तो देखो कौन सी है वो, वीडियो वन है भाई साहब, हाँ तो वीडियो वन में आप भी अपना वीडियो वन करो वहां से सिलेक्ट, ये वीडियो वन हो गया भाई साहब। अब आवाज तेज कर दो इसकी एक बारी पूरी सेटअप की, आगे से फुल कर रखी है, फुल कर दो। अब जो इसकी तार घुसेड़ी है ना आपने अंदर, कौन सी, जो तार अभी अंदर डाली है आपने, हाँ दो तारे, हाँ जी, उस तार का जो लास्ट वाला सिरा है ना जहां पे एंड हो जाता है इसका, ये वाला येलो, जहां इसका सिरा हो जाएगा, एंड हो जाएगा, हाँ इधर हाथ लगा के देखो, टर्न टर्न की आवाज आ रही है बीच में से, सेटअप में से, इसमें से नहीं, जो इसकी आपने दो तार लगवाई है मैंने आपसे अभी, उसका एंड सिरा जो है जहां पे उसका एंड हो रहा है जाके, वही है ना, रेड येलो, रेड येलो में से, येलो नहीं रेड और व्हाइट है ना, हाँ हाँ इनको यहाँ लगी रहने दो, ठीक है, जहां इसका एंड हो रहा है सिरा, जहां पे ये तार खत्म हो रही है जाके, बाहर देखो कहां तक गई है तार ये, अरे यार उनको छोड़ दो ना, अच्छा इनका दूसरा सिरा पकड़ लो, दूसरा सिरा कहाँ है इस तार का, वो तो टीवी के अंदर है यार, वही तो पंगा है ना, दूसरी तार नहीं पड़ी तुम्हारे पास कोई चेक करने के लिए कोई अलग से, नहीं ये टीवी में कहाँ लगा रखी है आपने, टीवी के अंदर लगा हुआ है, ये तो शुरू से लगी है भाई, जब छेड़ी नहीं है देखो अंदर ही है, कहाँ से कहाँ लगी है देखो तो सही, इसको कहाँ कहाँ लगी है, आउट पे लगी है, इन पे लगी है, कहाँ लगी है, गलत लगी होगी तो इसमें तो आवाज वैसी नहीं आएगी फिर, तो इसमें यहाँ चेक करके देख ले आउट, इनमें इनमें तो हमने लगा ली, साउंड नहीं आया, हाँ है ना, तो आउट में करके देखें एक बार, आउट में तो नहीं होएगी, आउट का तो मतलब ही नहीं है कोई, आउट का मतलब तो ये होता है कि आपने आगे कोई एम्पलीफायर चलाना है तो इसकी ऑडियो इन में इन दे के उसके बाद आउट दूसरे एम्पलीफायर में दी जाती है, फिर वो दूसरे एम्पलीफायर की साउंड निकलती है आगे, अच्छा अच्छा, आउट के लिए तो डबल एम्पलीफायर के लिए जरूरत होती है इसलिए आउट बनाई जाती है वो, जी जी, लेकिन अभी आपके पास जो केबल है जहाँ तो उसको टीवी में देखो पहले, जहाँ कोई खराब केबल पड़ी है वो वहां लगा के देखो उसके अंदर,
उससे सिर्फ हमने ये पता लगाना है कि वहां पे क्लिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, टिक टिक की आवाज आ रही है या नहीं आ रही वहां पे। क्योंकि ऐसा तो पता लगेगा नहीं ना उसका। जी एक मिनट, अब तार वहां पे, तार को वहां तक लेके जाओ, तार के एंड सिरे में हाथ लगाओ, थोड़ा अर्थ दे के उसको, तो देखो उस तार के अंदर जो जब हाथ लगाते हैं तो स्पीकरों में टिक 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 की आवाज आ रही है या नहीं आ रही। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये वायर हमने उसमें घुसेड़ दी एक तरफ से, ठीक है जी जी, सेटअप बॉक्स अपने एम्प के अंदर, इसका दूसरा सिरा जो हो गया उसका दूसरा सिरा ये हो गया नीचे से, ठीक है, एंड हो गया यहाँ उसका। अब हमने इसके सिरे को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे टिक टिक करके देखनी है, ऐसे ऐसे जब करोगे ना आप जी जी, तो आपके एम्प में से आवाज आनी चाहिए। अगर एम्प में से आवाज नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आपका एम्प काम नहीं कर रहा प्रॉपर। अच्छा, आप समझ गए कैसे कह रहा हूं मैं। लेकिन अब ये तार कहाँ लगी हुई है, ये देखो इसके पीछे भी तो केबलें लगी हुई हैं जियो बॉक्स के। अच्छा, इसके आगे भी कोई इन है क्या, इसके आगे इन है अपने एम्प के आगे कोई, ओंकियो के आगे इन है कोई, ओंकियो के आगे इन, उसके आगे एक वो होती है क्या कहते हैं कानों पे लगाने वाले हैं क्या, एयरफोन, ये फोन, हाँ ये फोन ना होगा ये तो। हाँ जी, नहीं ये नहीं, ये तो फोन होता है, ये तो प्री एम्पलीफायर के, ये तो उसके लिए होता है। अगर जो पहले रिकॉर्ड नहीं चलाते थे हम, गोल तवे गोल सीडी की टाइप के होते थे जो। अच्छा अच्छा, ये उसके लिए, ये उनके लिए होता था। एफएम पे डाल, एफएम पे डालते हैं तो कोई सांस सांस उसी की कुछ आवाज आ रही है थोड़ी बहुत। हाँ एएम पे स्पीकर की आवाज आई है, आ रही है। हाँ एएम पे, एफएम पे आवाज आ रही है ना। हाँ एफएम पे भी आ गई आवाज। हाँ जी आ गई, आप डाल के देखो ऑप्टिकल केबल। हाँ जी, अब ऑप्टिकल केबल डाल के देखो एक बारी, ऑप्टिकल केबल। अच्छा हाँ, अब इसको ऑप्टिकल पे करो, अब आपके पास वही है, ज्यादा टीवी के पीछे से उसको देखो कहाँ लगी है इसकी ऑक्स। अब चलाओ एफएम पे, मुझे आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। इस समय सारे स्पीकरों पे बस जैसे आवाज आ रही होती है ना, सुन वो है साउंड चला सा, 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 की आ रही है आवाज। हाँ सा, सा, इस तरह से। हाँ जी हाँ जी, हाँ तो ठीक है फिर, इसका मतलब कैंप काम कर रहा है। अच्छा उसका एक काम करो, अब ऑप्टिकल केबल लगा के देखो एक बारी। ऑप्टिकल तो मैंने लगा रखी है वहां पे, टीवी में कहाँ लगा रखी है, वो टीवी में लगा रखी है ना। हाँ जी हाँ जी, या तो कई बात ये टीवी की है। अच्छा नहीं, टीवी की जो ऑप्टिकल है ना। हाँ जी उस, अच्छा एक काम करो, शायद मुझे लगता है तुम्हारे टीवी में उसे चला के देखा आपने मोबाइल के थ्रू इसको। नहीं तो मोबाइल वाली केबल है तुम्हारे पास। मोबाइल वाली सर, मोबाइल वाली कौन सी, हेडफोन वाली। एक तरफ, हाँ एक तरफ मोबाइल में लगेगी पिन, दूसरी तरफ से आपके उसमें लग जाएगी बॉक्स में। वो वाली तो नहीं है ना। ना वो भी नहीं है ना। अच्छा एक काम करो, इसके अंदर ना एक ऑप्शन होता है टीवी के अंदर, ये ऑक्स का ऑप्शन नहीं खुल रहा इस समय, ये जैसे हमने एएम एफएम किया ना। रिमोट से देखो, रिमोट से, इसका पैनल काम नहीं करता होता जब पुराने हो जाते हैं सेट तो। अच्छा रिमोट से ऑक्स, ऑक्स का किस में ऑप्शन, देखो डीवीडी वाला भी ऑक्स होता है, सीडी वाला भी ऑक्स है, टेप वाले सारे ऑक्स है जितने भी है। CDR भी नहीं कर रहा और DVD भी नहीं कर रहा। हाँ तो फिर ये काम ही नहीं कर रहा, रिमोट ही नहीं आपका काम कर रहा। रिमोट तो देखो पहले काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा। नहीं रिमोट तो काम कर रहा है, देखो ना
वो बटन दिखा रहा है लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है, फिर आगे वो चल क्यों नहीं रहा है? नहीं, कल मैंने इससे भी सेट किए थे ये। एक काम करो, पहले सेट को एक बार ऑफ करो पीछे से। आप ये देखो टेप हटाऊं? हाँ, टेप टेप वाले पे चला के देख लो। टेप पे नहीं आया साउंड? तो टेप पे तो ऐसे आएगा ही ना, टेप पे कैसे आएगा? जब आप पीछे से टेप पे लगाओगे तभी तो टेप पे आएगा ना, वैसे टेप पे आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ CDR है तो पीछे CDR पे लगाओगे तो CDR पे आउटपुट निकलेगी, ऐसे थोड़ी सब पे आउटपुट एक साथ आ जाएगी। नहीं, जिस पे कलेक्ट करोगे उस पर ही आउटपुट आपको मिलेगी पीछे, इसके PCM है, PCM पे मिलेगी आगे जाके। अच्छा, आप उसको ऑप्टिकल पे करो, ऑप्टिकल वन पे लगा के उसको ऑप्टिकल वन में डालो, उसके बाद देखो उसमें साउंड आ रही है, उसमें नहीं आ रही तो दो पे चेक करो, दो पे नहीं आ रही तो फिर ऑक्स चेक करो किसी एक पे। FM का सेक्शन अलग होता है, ऑक्स का ऑप्टिकल के सारे सेक्शन अलग अलग होते हैं, इसके साउंड कार्ड होते हैं, वीडियो कार्ड बैक साइड पे लगा हुआ। अब इसमें जैसे हमने वो मैंने किया ना ऑटो पे कर दिया है ऑक्स को ना? हाँ, ऑटो कर दिया, ऑटो में तो आ जाएगा? नहीं, ऑटो में नहीं आएगी, ऑटो डिटेक्ट नहीं करता कई बार। आप उसको ऑप्टिकल वन पे करो, ऑप्टिकल वन कर रखा है, देखो अब आप, अब इसमें ऑटो है, ऑप्टिकल वन है ना, ये ऑप्टिकल वन है ना आपकी? जी, पीछे से ऑप्टिकल वन पे लगी हुई है केबल? हाँ, वन पे लगी है। हाँ जी, इधर से आवाज तेज करके देखो कहीं आवाज कम तो नहीं है टीवी की, टीवी की आवाज बढ़ाओ। टीवी में तो आ जाएगी, टीवी की तो आवाज काफी है। टीवी का ना मेनू बटन खोलो, मेनू टीवी का मेनू खोलो, मेनू हाँ टीवी का मेन्यू खोलो, टीवी का, टीवी के रिमोट से। हाँ जी, हाँ जी, वही कर रहा हूँ। मेन्यू खोल के साउंड सेक्शन खोलो, साउंड वाला ऑप्शन उसका। एक मिनट, इसके आवाज कम कर, काम भी करना है। कौन सा वाला दबाऊं बताओ? मेन्यू खोलो, मेन्यू वो देखो, मेन्यू लिखा हुआ है ना इधर साइड में, एक्शन मेन्यू। हाँ, एक्शन मेनू पे जाके देखो, इसमें साउंड का ऑप्शन होगा एक ऑडियो। देखो अब आप इसमें से कौन सा है। एक सेकंड रुको, पिक्चर साउंड, साउंड पे क्लिक करो, साउंड, साउंड पे एक स्पीकर्स पे दो चीज है इसमें, साउंड दिखाओ पहले क्या क्या है इसमें, साउंड में देखो क्या क्या है। साउंड मोड, साउंड मोड पे जाना जरा नीचे लेके आओ, स्टैंडर्ड है, चलो ठीक है। नीचे क्या है, सिनेमा नहीं, इसपे से बाहर आ जाओ, आपकी ये अलग चीज है, इसपे से बाहर आ जाओ, इसपे से बाहर आ जाओ आगे, हाँ वापिस जाओ, क्लियर ऑडियो, एक बार क्लियर ऑडियो करना, क्लियर ऑडियो पे। अच्छा, एक मिनट, क्लियर ऑडियो ओके कर दो एक बारी, वो रीसेट हो जाएगा। एडवांस सेटिंग में जाओ आप, सबसे पहले मारो गोली सारी चीजों को, एडवांस सेटिंग में जाओ सबसे नीचे, हाँ इस पे क्लिक करो, इसके अंदर देखो रीसेट है, रीसेट रीसेट रीसेट, ये लो रीसेट, रीसेट कर दो इसको एक बारी, कर दिया, ओके हो गया। रिटर्न ऑल साउंड सेटिंग टू फैक्ट्री डिफॉल्ट, हाँ करो इसको ओके कर दो। यस कर दूं? यस कर दो। लो जी, अब देखो आ गई क्या साउंड, पहले बैक आओ ना, चला के देखो जरा, नहीं तो फिर स्पीकर सेक्शन देखते हैं। टीवी की आवाज ना, ना टीवी की आवाज। अच्छा, अब आप उसके साउंड के नीचे स्पीकर लिखा, स्पीकर पे क्लिक करो। अच्छा, मेन्यू में जाओ दोबारा, वही करो, मेन्यू में जाओ, हाँ स्पीकर, हाँ स्पीकर पे आओ, इसके अंदर एक ऑप्शन होगा टीवी स्पीकर लिखा है, ऑडियो सिस्टम, ऑडियो सिस्टम पे जाओ, ओके कर दो, कर दिया। आप देखो नहीं भाई साहब, टीवी की आवाज आ रही है, चली गई,
ना टीवी की नहीं आ रही, टीवी की नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन फिर चलो उसको टीवी पे तो वापसी डाल दो एक बारी उठा के वायर अपनी जी। अब ऑक्स की केबल होती ना आपके पास तो ऑक्स से और लगा के देख लेते उसमें, जब एफएम पे आवाज आ रही है तो ऑक्स में तो आएगी आएगी। ऑप्टिकल कई बार क्रैक हो जाती है अंदर से तो भी दिक्कत आती है, पता नहीं ऑप्टिकल आपकी ठीक है या खराब है। ऑप्टिकल दूसरी बड़ी है कोई केबल? लाइट तो आ रही है सर, ना ना एक ही है, ये भी बड़ी मुश्किल से मंगवाई थी सर। लाइट तो देखो आ जाती है, कई बार अंदर से कोई दिक्कत भी आ जाती है, इंटरनल प्रॉब्लम भी हो जाती है वायर में भी, तब भी खराब हो जाती है कई बार। और जरूरी नहीं है, हो सकता ऑप्टिकल हमारा इसका सेक्शन खराब हो गया हो एवीआर का, ऐसा है कि आवाज आ रही है, पहले ये भी नहीं आ रही स्पीकरों से आवाज आ रही है, ऐसा है कि हाँ जी। लेकिन वो तो एफएम पे आएगी, वैसे तो नहीं आनी चाहिए स्पीकरों से ऐसे नॉर्मल आवाज। अच्छा एक काम करो, इसको पीछे, इसको पहले पीछे से ना बटन से ऑफ करो एक बार, ओंकियों को बटन से ऑफ करो पीछे से, पीछे से मेन से। पीछे कौन सा आजा? पावर से, पावर से, पावर से। अच्छा स्विच से? हाँ स्विच पावर से। लो जी अब थोड़ी देर बाद ऑन करना है इसको, अब ऑन कर लो। अब इसको एफएम पे डालना है, इसकी तेज आवाज करो एक बार फुल। आवाज आ रही है आपको कोई सांस सांस की? हाँ आ रही है, जैसे एफएम की होती है। जी जी मुझे सुनाओ जरा, मुझे याद तो नहीं है। स्पीकरों का साउंड है? हाँ स्पीकरों में आएगी। अब एफएम से हटाओ उसको, एएम से हटा दो उसको। एफएम पे भी आ रही है? दोनों पे आ रही है यार। ए ए लगा रखा आपने, ए और बी करो ना, दोनों स्पीकर चालू करो ना इसके। लो जी ठीक है, एफएम से हटा दो आप इसको, फिर नहीं आवाज आनी चाहिए। एएम से भी हटाओ, हटाओ ना इसको यहाँ से। हाँ वीडियो पे अब तो नहीं आ रही स्पीकरों में आवाज ना? हाँ अब नहीं आ रही। अब ऑप्टिकल करना जरा, ये वी टू वीडियो टू ऑप्टिकल वन डी टी एस वी सी एम करना, वी सी एम। हाँ वी सी एम आउट, आप देखना जरा। नहीं यार एक तो आपके पास ऑक्स केबल नहीं है ना, उसके बिना चेक नहीं हो पाएगा ये कुछ भी इसका जी। या तो आप एक काम करो कल ना ऑक्स केबल लेके आओ पहले इसकी, पहले मोबाइल के थ्रू इसको चेक करेंगे, उसके बाद फिर टीवी से अटैचमेंट हो जाएगी आसानी से। ब्लूटूथ भी नहीं है तुम्हारे पास इसका? किसका? इसका? हाँ इसका ब्लूटूथ तो मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं ऑप्शन ब्लूटूथ का, इसमें नहीं है, वो लगा सकते हैं अलग से हम। ये आगे दिखाना, इसमें आगे आगे पिन्ने हैं राइट साइड में, क्या दो पिन्ने कौन सी हैं ये? ये भाई साहब एक है सेटअप और एक है रिटर्न। अच्छा ठीक है ये अलग चीज है, इसको रहने दो, बटन है ये तो जी। हाँ ये तो बटन है, इसको रहने दो, ये नहीं है। सीडी है ना, अब वही बात है, या तो आपके पास ऑक्स की केबल का इंतजाम करो जो मोबाइल से चलती है वो वाली, जहाँ दूसरे वाली करो जो टीवी से अटैच होती है ऑक्स की केबल। ऑक्स की केबल लगा के जब तक कन्फर्म नहीं होगा तब तक ऑप्टिकल तक नहीं पहुँचा जा सकता इसमें। स्पीकर इसके बाद ए बी दोनों चलाने हैं? ये दो होते हैं ए और बी, दोनों स्पीकर चलते हैं। अगर मान लो कभी आपने पीछे से दोनों पे लगाया होता तो फिर एक करोगे तो एक ही चलेगा, दूसरे में आवाज नहीं आएगी। ये भी चक्कर है। अब रात में तो आपको मिलने से रही केबल कहीं से? हाँ जी ये तो है है ना। अब एक काम करना, आप सुबह केबल लेना पहले, जैसे मैंने आपको बताया वैसे मैं आपको बताऊंगा, आप उसमें लगा के देखना ठीक है जी। और सुबह मेरे पास एक रिमोट रखा हुआ है इसका सिस्टम का, ओंकियो का, मैं सवेरे उसमें टैली करके तुम्हारे को बताऊंगा कौन सा। लेकिन बटन तो मैंने सारे ठीक दबवा दिए हैं तुम्हारे, बटनों में कोई दिक्कत नहीं, वीसीएम वगैरह होता है सारा का सारा, इसके ऊपर ही आती है साउंड। हाँ पीसीएम पे आता है, पीसीएम और डॉल्बी भी आता है। वीसीएम
आउटपुट पे आएगा आपका ऑप्टिकल वन पे टू पे दोनों पे आ जाएगा, VCM ऑटो ही होता है वो। जब विकासपुरी में सेम सेट है किसी के पास, मैं उसके एक बार कल जाऊंगा उधर, मैंने जाना तो है, एक बार देखता हूँ कैसे लगाया हुआ। लेकिन मैं तो यार लगा के आया था, ऐसे लगाया था। अब ये क्या होता है, अगर सिस्टम में फॉल्ट होगा तो आवाज आएगी नहीं ना, चक्कर ये है। हाँ सिस्टम में फॉल्ट नहीं है ना। अब देखो इस समय CDR पे स्पीकरों पे साउंड आ रहा है। देखो स्पीकर में साउंड आ रहा है, FM वगैरह पे आना चाहिए, CDR वगैरह पे नहीं आना चाहिए। FM पे और AM पे सा आएगी बस, ठीक है आ रही है, दोनों पे आ रही है। CDR पे नहीं आनी चाहिए और वीडियो पे नहीं आनी चाहिए, ऑप्टिकल पे नहीं आनी चाहिए ऐसे तो। CD पे भी नहीं आनी चाहिए, CD पे आ रही है। हाँ CD पे भी आ रही है। हाँ जी तो फिर तो इसका आउटपुट बहुत शॉर्ट है, इसके अंदर एक ऊपर आउटपुट कार्ड है वो शॉर्ट है, फिर इसका मतलब इसका तो गर्म हो रहा है सेट ऊपर से कहीं से, नहीं ऊपर से गर्म तो नहीं हो रहा कहीं से, जहां पे केबल लगती है पीछे की तरफ उधर देखो ऊपर की साइड, गर्म तो नहीं हो रहा यहाँ पे कहीं पे। हाँ लेकिन यार जिस हिसाब से आप बता रहे हो वहां आवाज तो नहीं आनी चाहिए। कोई नहीं, आप एक काम करो सवेरे पहले कहीं से ना ऑक्स की तार का जुगाड़ करो पहले, तो कल ऑक्स का इंतजाम करूं पहले मैं। हाँ सबसे पहले आप ऑक्स का, देखो ऑक्स के बिना हम कुछ नहीं चेक कर पाएंगे इसका, मैं दूर बैठा हूँ, मेरे से जितना गाइड हो सकता है मैं उतना ही कर पाऊंगा ना आपको। हाँ ये तो है भाई, सब सही बात है। हाँ इसलिए मैंने तो कि फोटो भी साफ दिखाई दे, इसलिए मैंने तो लाइव वीडियो बना के आपके साथ बात करी है अपने चैनल के ओके सर्विस वाले चैनल पे, नहीं तो व्हाट्सएप पे तो ये समझ नहीं आएगा क्या लिखा क्या नहीं लिखा हमें। आप सुबह एक काम करो, आप सवेरे ऑक्स केबल का इंतजाम करो, उसके बाद फिर मेरे को बताना ठीक है। ऑक्स केबल तो मैंने आपको बता दिया कौन सी होती है, एक तरफ उसके पिन होएगी और एक तरफ ऐसी दो लगी होंगी ऐसी वाली RC वाली केबल है, दो कनेक्टर ऐसे वाले होंगे, एक सिंगल कनेक्टर होगा दूसरी तरफ, उसको बोल देना हमने मोबाइल से सिस्टम चलाना है बस। हाँ एक तरफ ऐसे दो होंगे, एक तरफ ऐसे दो होंगे ठीक है, और एक तरफ इसके जो मोबाइल के अंदर जैक घुसता है ना 3mm का, अच्छा पिन टाइप का। हाँ जी हाँ हाँ मोबाइल के अंदर पिन होती है ना वो वाली जी जी। उसके बाद हमारे को क्या करना है, पहले अपने मोबाइल से चला के देखेंगे हम इसको। अच्छा अगर हमारे मोबाइल से आवाज आ जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर सारे कनेक्शन करवा दूंगा मैं आपके TV के ठीक है जी। ओके सर जी थैंक यू। हैं ठीक है सर, ठीक है, गुड नाइट जी, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है सर, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, राम राम जी।